नमस्कार दोस्तों, कार मेरा का आज का एपिसोड समर्पित है सेडान्स के नाम पे। बेसिकली दो सेडान्स का ही रुतबा था, दो सेडान का ही कंपटीशन था, एक जो मिड साइज सेडान सेगमेंट है उसके अंदर। तो अब धीरे धीरे करके स्कोडा ने एक नई अपनी गाड़ी पेश की, उसके साथ ही जाहिर सी बात है वॉक्सवैगन भी पेश करनी थी। वेटस के नाम से वॉक्सवैगन की गाड़ी लॉन्च हो चुकी है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सा वेरिएंट में क्या क्या खासियतें मिलेंगी और कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है, क्या क्या कमियां हैं, उसके बारे में दोस्तों आज बात करते हैं और लास्ट के अंदर निष्कर्ष निकालने गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं निकालनी चाहिए। दोस्तों बेसिकली वेटस को दो इंजन ऑप्शन के साथ चार वेरियंट्स में डिवाइड किया गया है। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो जो नीचे 1.0 लीटर वाला इंजन है, हालांकि दोनों पेट्रोल ही इंजन है जैसे कि स्कोडा की स्लाविया में है, तो जाहिर सी बात है वही इंजन है। एक जो पहले वाला इंजन है उसको तीन ट्रिम्स में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर की जो बेस वेरिएंट है उसके अंदर सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन है, ऊपर के दो वेरिएंट के अंदर मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों मिल जाएंगे आपको। जो 1.5 लीटर का टॉप ट्रिम यानी कि दूसरा वेरिएंट है इसका, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक फुल बेल्ट और रिवर्स टॉप वेरिएंट, सिर्फ एक ही वेरिएंट उसके अंदर मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला दोस्तों जो है 1.0 लीटर वाला इंजन, उसके अंदर जो वेरिएंट रखा गया उसका नाम है डायनामिक लाइन। डायनामिक लाइन के अंदर आगे तीन ऑप्शंस और रखी गई हैं जिनका नाम है कंफर्ट लाइन, हाई लाइन और टॉप लाइन। इसके बाद आ जाता है दूसरा वेरिएंट, उसका नाम है परफॉर्मेंस लाइन, यानी कि GT लाइन के नाम से भी कह सकते हैं उसको, जाना जाता है। 1.5 लीटर का इंजन है और टॉप ट्रिम के अंदर सिर्फ टॉप वेरिएंट के अंदर 7 स्पीड का DCT डुअल कर ट्रांसमिशन की सुविधा उसके अंदर दी गई है। बस यही इसके अंदर एक, और उसके अंदर कोई भी ऑटोमेटिक के अलावा मैनुअल की सुविधा नहीं दी गई। अगर बात करें डायनेमिक लाइन की, तो 1.0 लीटर वाला जो मैनुअल ट्रांसमिशन में बेस वेरिएंट आता है उसके अंदर हमारे पास क्या क्या मिलता है। कम्फर्ट लाइन के अंदर जाहिर सी बात है मैनुअल का है तो ऑटोमेटिक नहीं है उसके अंदर। 11,21,000 रुपये से इसकी एक्स शोरूम कीमतें शुरू होती हैं, बेस वेरिएंट की कीमत 11,21,000 रुपये है। उसके अंदर क्या क्या मिलता है, LED हेडलैम्प्स, DRLs और टेल लाइट्स, ये सभी LED मिल जाएंगी हमें। 16 इंच के स्टील व्हील्स मिल जाएंगे, जाहिर सी बात है उनको कवर भी किया है, जो अलॉय की तरीके से नजर आएंगे दिखने में। LED टर्न इंडिकेटर्स हैं जो कि जो ORVM सब के अंदर मर्ज किए हुए हैं, जो कि एक अच्छी प्रीमियम गाड़ी की लुक देती हैं इसको। इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल विंग मिरर्स हैं इसके, ब्लैक फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, स्टीयरिंग टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दिया गया बेस वेरिएंट से, जो कि अच्छी बात है, जो एडजस्टमेंट कर सकते हैं पर्सन जो अपने ड्राइविंग के पोजीशन के हिसाब से। 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसके अंदर की एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की सुविधा भी आपको मिल जाएगी। ड्राइविंग सीट की हाइट एडजस्टमेंट की सुविधा भी इसमें दी गई है। 8 स्पीकर वाला म्यूजिक सिस्टम है, जो कि सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो 2 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम EBD के साथ, मल्टी कोल्यूजन इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक इसके अंदर दिया गया है, और रियर पार्किंग सेंसर्स और एम्बिएंट लाइटिंग इसके अंदर दी गई है, यानी कि सेफ्टी के अंदर भी अच्छा खासा ध्यान रखा गया है, जिसके अंदर की बेस वेरिएंट में ही काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। उससे ऊपर का अगर वेरिएंट देखें तो हाई लाइन के नाम से वेरिएंट आता है, 12,92,000 रुपया मैनुअल ट्रांसमिशन और 14,41,000 रुपया ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए देना पड़ेगा एक्स शोरूम के लिए। इसमें जो बेस वेरिएंट में मिल रहा है इसके अलावा क्या क्या मिलता है, 16 इंच के अलॉय व्हील्स हमें मिल जाएंगे, पावर फोल्डिंग ओवर VMs मिल जाएंगे, क्रोम एक्सटीरियर थोड़ा थोड़ा कहीं पे फिनिश आ जाएगी, फॉग लैंप्स आ जाएंगे जिसके अंदर की कॉर्निंग का फंक्शन भी साथ में मिल जाएगा, जो कि सेफ्टी के हिसाब से घुप अंधेरे के अंदर बहुत ज़्यादा फायदेमंद है हमारे लिए। इसका इंटीरियर ब्लैक के बजाय बीज अपहोल्स्ट्री फैब्रिक सब इंटीरियर बीज कलर का थीम दे दिया गया है इसके अंदर। 7 इंच की बजाय 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसके अंदर की वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले की सुविधा दी गई है और फ़ोन चार्जिंग सुविधा, रियर में भी 60-40 स्लिप्ड सीट पिछली वाली, और कुछ टच पैनल जैसा ऑटो ऐसी दिए गए जिसके, जो कि आपको याद होगा कि जब पहले हमने होंडा सिटी WRV में देखा था जो टच पैनल वाला ऑटोमेटिक ऐसी था, वैसे ही कुछ इसके अंदर भी देने की कोशिश की गई है। रियर एसीवेंस, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट ऑफ बटन, क्रूज कंट्रोल, एम्बिएंट लाइटिंग, हिल होल्ड असिस्ट सिर्फ ऑटोमेटिक के अंदर, और पैडल शिफ्टर, रियर कैमरा, ये सारी चीज़ें आपको तकरीबन 1.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा देके मिल जाती हैं। 1,70,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा इसके अंदर, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी।
इसके अलावा जो ऊपर वाला वेरिएंट आता है टॉप ट्रिम 1.0 लीटर वाला 1441 मैनुअल ट्रांसमिशन 1571,000 रुपये आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए देना पड़ेगा। इसमें ऑटो LED हेडलैम्प्स आ जाएंगे, 16 इंच के डुअल टोन के अलॉय व्हील्स हमें मिल जाते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ मिल जाएगी, 6 इंच का डिजिटल MID जो फुली डिजिटल है वो मिल जाएगा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स की सुविधा मिलती है, कनेक्टेड कार के फीचर्स के साथ साथ ऑटो डिमिंग IRVM हिल होल्ड असिस्ट अब इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक दोनों के अंदर मिल जाएगा, लेदर अपहोल्स्ट्री और 6 एयरबैग की सुविधा इसमें मिल जाएगी। अब इन सारे ट्रिम्स में से मेरे को जो वैल्यू फॉर मनी पैकेज लग रहा है वो इसका मिड वेरिएंट यानी कि हाई लाइन इसका जो वेरिएंट है वो मेरे को वैल्यू फॉर मनी लग रहा है, क्योंकि अंदर इसके अंदर सारी तकरीबन फैसिलिटीज आ जाती हैं। अब जो टॉप लाइन है वो सिर्फ फीचर्स के लिए है, सनरूफ मिल जाती है, 16 इंच के अलॉय मिल जाते हैं या फिर हिल होल्ड असिस्ट है जो मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों मिल जाता है। मेरे हिसाब से आपको हाई लाइन पे जाना चाहिए, उसमें सारे फीचर काम के फीचर हमें मिल जाते हैं जिससे कि हमारी गाड़ी में जो बेसिक नीड है उसके अलावा कहीं बेहतर हमें मिल जाएगा। रही बात टॉप वेरिएंट की, जो दूसरा इंजन आ रहा है उसमें मजबूरी है, एक ही वेरिएंट आता है तो इसमें कोई और गुंजाइश नहीं है, तो इसमें क्या क्या मिल जाता है वो बताते हैं। 17,91,000 रुपये तकरीबन 18 लाख रुपये देना पड़ेगा हमें इस गाड़ी को लेने के लिए। 16 इंच के जो अलॉयज हैं वो ब्लैक पेंटेड हैं, इसमें डुअल टोन की सुविधा है, मशीन कट की सुविधा नहीं है, ब्लैक पेंटेड है वो, डुअल टोन के कलर्स की सुविधा इसके अंदर अवेलेबल करवा दी गई है, ग्लॉस ब्लैक रियर स्पॉयलर मिल जाता है जो कि देखने में काफ़ी फंकी लगता है, और GT लाइन के हिसाब से कहीं कहीं पे इसके अंदर इंसर्ट्स ऐसे दिए गए हैं जो कि इसके रेड और ऑरेंज थीम को दर्शाते हैं जो कि देखने में अच्छे लगते हैं। इंटीरियर के अंदर एम्बियंट लाइटिंग कई तरह की इसके अंदर दे दी गई है, डुअल टोन की लेदर अपहोल्स्ट्री इसमें मिल जाएगी। इसके अंदर थोड़ी सी माइलेज को बढ़ाने के लिए सिलेंडर डीएक्टिवेशन का एक प्रोग्राम दिया गया है, जिससे कि अगर आपकी गाड़ी अल्टरनेट स्पीड पर खड़ी है, न्यूट्रल में खड़ी है, तो 4 सिलेंडर के बजाय 2 सिलेंडर उसके काम करेंगे, 2 सिलेंडर उसके बंद रहेंगे, जिससे कि इसकी माइलेज में काफ़ी अच्छा खासा फर्क पड़ता है। अब पावर फिगर की बात की जाए तो 1.0 लीटर वाला टर्बो इंजन है इसका, वो 115 BHP पावर 118 की टॉर्क के साथ ही गाड़ी जनरेट करती है, 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और इसी के साथ ही 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर भी इसके अंदर मिल जाएगा आपको। 19.10 की माइलेज क्लेम की जाती है मैनुअल में और 18.21 की माइलेज क्लेम की जाती है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। 1.5 लीटर वाला जो बड़ा इंजन है GT लाइन, उसके अंदर 150 BHP की पावर और मैसिव 250 Nm की टॉर्क हमें मिल जाएगी, 7 स्पीड का डुअल कर ट्रांसमिशन है और माइलेज 18.6 की है जो कि इतनी बड़ी गाड़ी के लिए ठीक ठाक सी है। दोस्तों का मुकाबला अभी के लिए सियाज, वरना, स्लाविया और होंडा की सिटी के साथ है जो कि प्रमुख दावेदार हैं इस सेगमेंट कड़ी के अंदर। प्लेटफॉर्म बिल्कुल नया रखा गया है इसका, जो कि MDB AQIN का मतलब मेड फॉर इंडिया और मेड इन इंडिया, ये प्लेटफॉर्म है, पर्टिकुलर इंडिया की ज़रूरतों को ध्यान में रख के ये गाड़ी बनाई गई है। लेंथ विड्थ हाइट की बात करें तो 4561 लेंथ है, हाइट की बात करें 1752 है, विड्थ की बात करें तो 1507 है। फ्यूल टैंक 45 लीटर के अंदर दिया गया है, ग्राउंड क्लीयरेंस 179 यानी कि 179 mm की है जो कि इस गाड़ी के लिए ठीक ठाक सी है, और बूट स्पेस इसका सेम स्लाविया जैसे ही 521 लीटर का बड़ा बूट स्पेस इसके अंदर मिल जाता है। खासियतें दोस्तों मैंने आपको गिना दी, वैल्यू फॉर मनी वेबसाइट भी बना गिना दिया आपको, लेकिन इसके अंदर क्या कमियां रहेंगी उसकी बात करते हैं। सबसे बड़ी कमी तो ये कि डीजल इंजन नहीं आता, क्योंकि जो डीजल इंजन की सुविधा अब लिमिटेड हो गई है होंडा सिटी और ह्यूंडई वर्ना के पास, जो कि दो ही गाड़ियां डीजल इंजन भी आपको प्रोवाइड करते हैं जो कि 24-25 तक की आपको बेहतरीन माइलेज भी देते हैं। दूसरी कमी इसके अंदर दोस्तों ये है कि थोड़ी सी ओवर प्राइस लग रही है गाड़ी, जहाँ खास तौर पे जाते जाते टॉप ट्रिम तक। तीसरी कमी दोस्तों इस गाड़ी में ये लग रही है कि जो GT लाइन है उसके अंदर एक ही वेरिएंट है, उसके अंदर भी मैनुअल की सुविधा नहीं दी गई, सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक की सुविधा दी गई है, तो ये सारी इसके अंदर कुछ कमियाँ भी रह गई। स्कोडा ग्रुप या वॉक्सवैगन ग्रुप ने अभी तक तो ये कोशिश यही की है कि अब कोई भी गाड़ी है डीजल में नहीं निकालेंगे, उल्टा इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी की तरफ ये ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, फोकस वहीं पे जा रहा है। ऑडी के पास काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो बताइएगा दोस्तों वेटस कैसी लगी आपको, वेटस के बारे में जो जानकारी है, वेरिएंट्स एक्सप्लेन मैंने किए, वेरिएंट्स को मेरे हिसाब से बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन भी किया गया, अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग चीज़ों की जो सुविधाएँ हैं बड़े अच्छे तरीके से उनको डिवाइड किया गया है। बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए जिनको कि मिड साइज सेडान लेनी थी, और स्लाविया के अलावा इस गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी। अगला वीडियो स्लाविया और वेटस की हम कंपटीशन का बनाएंगे, सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक
जय हिंद दोस्तों।